हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका और इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास y इज इक्वल्स टू 10x गिवन है और इसका डेरिवेटिव हमको फाइंड करना है। वैसे तो 10x का डेरिवेटिव जो होता है वो डायरेक्टली हम फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन में हमको बोला जाए कि 10x का आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है तब कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग हम ये चीज़ जानते हैं कि 10x इज इक्वल्स टू साइन ओवर कॉस होता है, इसीलिए हमने इसको लिखा साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, यहाँ पर आप देखें ये p ओवर q के फॉर्म में है, मीन्स यहाँ पर आप क्वोशेंट रूल लगाएंगे। यहाँ पर आप देखें तो क्वोशेंट रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं, देन डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, न्यूमरेटर का नेगेटिव साइन, न्यूमरेटर को एज इट इज़ रखते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं डिनोमिनेटर का। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस एक्स को हमने एज इट इज़ रखा, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, देन साइन एक्स को एज इट इज़ रखा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन एक्स, देन ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, देन यहाँ पर कॉस एक्स का मल्टीप्लीकेशन कॉस एक्स से करेंगे तो यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर आया साइन स्क्वायर एक्स, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। देन ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी अगर आप जानते हैं तो वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर आया 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, देन 1 ओवर कॉस होता है सेक थीटा, तो यहाँ पर स्क्वायर था इसलिए हमने यहाँ पर लगाया स्क्वायर। तो इस तरह से आप देखें जो हमारा 10x है उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये हमको फॉर्मूले से पता है, बट अगर इस तरह से हमको फाइंड करने के लिए बोलते हैं तो इस तरह ये हमारा आ गया है सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर हमारे पास है वाई इक्वल्स टू कॉट एक्स, इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कॉट एक्स को हमने लिखा कॉस ओवर साइन, ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग कॉट एक्स इज इक्वल्स टू होता है कॉस एक्स ओवर साइन एक्स, देन यहाँ पर देखें कॉस ओवर साइन, यहाँ पर भी क्वोशेंट रूल लगेगा आपका, यहाँ पर हमने हमारे डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखा, न्यूमरेटर का कॉस एक्स का हमने डेरिवेटिव फाइंड किया जो आया नेगेटिव साइन एक्स, देन बीच में लगाते हैं हम नेगेटिव साइन, हमने कॉस एक्स को एज इट इज़ रखा, देन साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड किया तो वो आया कॉस एक्स, देन यहाँ पर देखें ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था इसलिए यहाँ आया नेगेटिव साइन, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर एक्स, देन आगे बढ़ते हैं कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स, देन यहाँ पर दोनों में से हमने माइनस साइन कॉमन लिया तो यहाँ आया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू हो गई हमारी 1, तो यहाँ पर आया यहाँ बीच में यहाँ पर आपका माइनस साइन था इसलिए हमने यहाँ पर माइनस साइन लगाया, इसकी वैल्यू हुई 1, तो यहाँ पर हमने लिखा 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स, 1 ओवर साइन होता है कॉसेक, तो यहाँ पर हमने लिखा कॉसेक एक्स, यहाँ पर स्क्वायर था इसलिए यहाँ पर लगाया स्क्वायर, और जो नेगेटिव साइन था वो भी यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर के साथ लगाया। तो इस तरह से जो कॉट एक्स है उसका डेरिवेटिव हमने फाइंड किया नेगेटिव कॉसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है एक्स कॉस एक्स ओवर लॉग एक्स, मीन्स यहाँ पर आप देखें न्यूमरेटर में तो एक्स मल्टीप्लीकेशन बाय कॉस एक्स, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, देन ओवर है लॉग एक्स यानी कि आपका क्वेश्चन रूल भी लगेगा। तो सबसे पहले ये है पी ओवर क्यू के फॉर्म में, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन रूल लगाते हैं। यहाँ पर आप देखें तो हमने क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दिया है, यहाँ पर क्या होता है जो डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर होता है, हमने स्क्वायर किया देन उसको एज इट इज़ रखा न्यूमरेटर में, देन डेरिवेटिव फाइंड किया एक्स कॉस एक्स नेगेटिव साइन, एक्स कॉस एक्स को एज इट इज़ रखा डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो लॉग एक्स को एज इट इज़ रखा, यहाँ पर हमको डेरिवेटिव फाइंड करना था एक्स कॉस एक्स, ये दोनों ही फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है इसीलिए यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे हम, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, आप देख सकते हैं एक्स को हमने एज इट इज़ रखा डेरिवेटिव फाइंड किया कॉस एक्स का, देन बीच में लगाया प्लस का साइन, कॉस एक्स को एज इट इज़ रखा डेरिवेटिव फाइंड किया एक्स का, देन यहाँ पर है नेगेटिव साइन, हमने नेगेटिव साइन लगाया एक्स कॉस एक्स को एज इट इज़ रखा, देन डेरिवेटिव फाइंड किया लॉग एक्स का, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एक्स, देन ओवर है लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉग एक्स को हमने एज इट इज़ रखा, एक्स को एज इट इज़, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव
साइन एक्स, तो यहाँ नेगेटिव साइन लगा दिया हमने आगे और साइन एक्स को लिख दिया. देन प्लस कॉस एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1, देन यहाँ पर माइनस साइन एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, देन यहाँ बचा कॉस एक्स ओवर लॉग एक्स टू दी पावर 2. देन ये लॉग एक्स का हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया इस ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर आया नेगेटिव एक्स लॉग एक्स साइन एक्स, फिर यहाँ प्लस का साइन लॉग एक्स कॉस एक्स, देन यहाँ पर नेगेटिव कॉस एक्स ओवर लॉग एक्स का होल स्क्वायर. यहाँ पर हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. ये p ओवर q के फॉर्म में है, मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन रूल अप्लाई हम करेंगे. अब यहाँ पर आप देखें जो डिनोमिनेटर है उसको हमने एज इट इज रखा, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर बीच में नेगेटिव साइन, फिर न्यूमरेटर को एज इट इज रखा, देन डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर. अब यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और इसका, बाकी इसको और इसको हम एज इट इज रखेंगे. यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हमने एज इट इज रखा, देन साइन एक्स का हमने डेरिवेटिव फाइंड किया तो वो आया कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव फाइंड किया तो वो आया नेगेटिव साइन एक्स, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन एक्स, देन बीच में लगाया नेगेटिव साइन. यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हमने एज इट इज रखा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन एक्स, यहाँ पॉजिटिव साइन था, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, देन ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. अब यहाँ पर आप देखें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है और यहाँ पर भी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, मीन्स यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. इसी तरह से यहाँ पर आप देखें ये है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और यहाँ पर है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स. अगर यहाँ से हम एक नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और वो नेगेटिव साइन यहाँ आके आ जाएगा पॉजिटिव. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. इसी तरह से यहाँ से हमने एक माइनस कॉमन लिया तो वो माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, देन ये हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये भी हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. देन यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा और यहाँ पर लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स. ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया हमने, ए है हमारा साइन एक्स, बी है हमारा कॉस एक्स, मीन्स यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी. देन यहाँ पर बीच में था प्लस का साइन इसलिए हमने इसको प्लस का साइन लगाया. देन यहाँ पर लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए है साइन एक्स, बी है कॉस एक्स. फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी. देन यहाँ पर आप देखें यहाँ पर टू साइन एक्स कॉस एक्स पॉजिटिव है, यहाँ टू साइन एक्स कॉस एक्स नेगेटिव है, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे. देन यहाँ पर देखें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी. ये प्लस 1 है, ये प्लस 1 है, 1 प्लस 1 2. तो इस तरह से आप यहाँ पर देखें इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू हो गई 1, 1 प्लस 1 2 ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जांपल है y इज इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस कॉट एक्स ओवर टेन एक्स माइनस कॉट एक्स. ये क्वेश्चन भी हमारा p ओवर q के फॉर्म में है, मींस इसको आप क्वेश्चन रूल से सॉल्व कर सकते हैं. देन क्वेश्चन रूल एक तरीका है. दूसरा तरीका अगर हम देखें तो टेन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस और कॉट को लिख सकते हैं कॉस ओवर साइन. इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा ये, जिससे कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करने में हमको आसानी होगी. तो आप चाहें तो आप क्वेश्चन रूल से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. और दूसरा तरीका चलिए देखते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने टेन को लिखा है साइन ओवर कॉस, बी में प्लस का साइन, कॉस ओवर साइन. इसी तरह इसको टेन को भी लिखा है साइन ओवर कॉस और कॉट को लिखा कॉस ओवर साइन. अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं हम और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. अब यहाँ पर देखें हमने इसका एलसीएम लिया, कॉस एक्स साइन एक्स आया, देन कॉस एक्स का हमने इसमें डिवाइड किया तो हमारे पास बचा यहाँ पर साइन एक्स, साइन एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स. इसी तरह यहाँ पर कॉस एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स. तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन एक्स कॉस एक्स.
देन इस डिनोमिनेटर को देखते हैं हम, यहाँ पर भी हमने एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा साइन से साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स, नेगेटिव साइन बीच में है और देन यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन एक्स कॉस एक्स। यहाँ पर आप देखें दोनों के ही जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है इसलिए ये हो जाएंगे कैंसल आउट। तो यहाँ बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इससे पिछले एग्जांपल्स में भी हमने ये चीज़ देखी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और ये रहेगा एज इट इज। अब यहाँ पर आप देखें तो अगर यहाँ से हम एक माइनस कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इसमें से जो हमने माइनस कॉमन निकाला उस माइनस को हमने यहाँ ऊपर शिफ्ट कर दिया देन यहाँ बचा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये जो वैल्यू होती है ये होती है कॉस 2x की। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड हमारा एक वीडियो है, आप चाहें तो वहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा आपका कॉस 2x। तो इस तरह से इसकी वैल्यू हो गई कॉस 2x। तो यहाँ पर हमारी y की वैल्यू आ गई माइनस 1 ओवर कॉस 2x। अब कॉस जो होता है ये 1 ओवर कॉस x है, इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं कॉस और sec रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के तो ये हो जाएगा नेगेटिव sec 2x। तो इस तरह से हमको जो y है वो मिल गया है नेगेटिव sec 2x। अगर इसको आप क्वेश्चन रूल से सॉल्व करते हैं तो इसके कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, इसीलिए हमने इसको क्या किया सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद हमको y की वैल्यू मिल गई नेगेटिव sec 2x। अब इसका डेरिवेटिव आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें हमने sec 2x का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमने क्या किया नेगेटिव साइन को हमने बाहर निकाला। sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, यहाँ पर x की प्लेस पर है 2x इसीलिए ये हो जाएगा sec 2x tan 2x। देन यहाँ पर आपका चेन रूल लगेगा क्योंकि यहाँ पर आपका x की प्लेस पर है 2x इसीलिए हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे 2x का भी। तो 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, ये नेगेटिव साइन है इसको हमने आगे लगा दिया है, देन sec 2x tan 2x एज इट इज रहेगा। तो ये आ गया आपका आंसर। यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जांपल है sec x माइनस tan x ओवर sec x प्लस tan x। इसको भी आप क्वेश्चन रूल से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये p ओवर q के फॉर्म में है। देन एक और तरीका है sec को हम लिख सकते हैं 1 ओवर cos और tan को लिख सकते हैं sin ओवर cos। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं देन इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। यहाँ पर हमने इसको लिख लिया है sec को 1 ओवर cos, बीच में नेगेटिव साइन तो नेगेटिव साइन लगा दिया, tan को sin ओवर cos। इसी तरह यहाँ पर भी हमने इनको 1 ओवर cos प्लस sin ओवर cos के फॉर्म में लिख लिया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखें तो हमने इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया है, यहाँ बचा हमारा ऊपर 1 माइनस एक्स ओवर कॉस, इसी तरह यहाँ बचा 1 प्लस साइन ओवर कॉस। दोनों के ही डिनोमिनेटर आप देखें तो कॉस एक्स है इसलिए कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। देन यहाँ पर न्यूमिनेटर में बचेगा 1 माइनस साइन और डिनोमिनेटर में बचेगा 1 प्लस साइन। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है मीन्स वाई की जो हमारी वैल्यू है वो आ गई है 1 माइनस साइन ओवर 1 प्लस साइन। अब इसका डेरिवेटिव हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन रूल लगाते हैं। यहाँ पर आप देखें तो जो 1 प्लस साइन एक्स है वो हमारा डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज़ रखा, डेरिवेटिव फाइंड किया न्यूमरेटर का माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। देन अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, बाकी सारी चीज़ों को हम एज इट इज़ रखेंगे। यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स को हमने एज इट इज़ रखा देन डेरिवेटिव फाइंड किया 1 प्लस साइन एक्स का, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, देन नेगेटिव साइन हमने एज इट इज़ रखा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, देन यहाँ नेगेटिव साइन, 1 माइनस साइन एक्स को एज इट इज़ रखा हमने, देन यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है, 1 का डेरिवेटिव हुआ 0 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव हुआ कॉस एक्स। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव कॉस एक्स है यहाँ पर क्योंकि 0 की वैल्यू कुछ नहीं होती, 0 माइनस कॉस एक्स मीन्स यहाँ पर बचता है नेगेटिव कॉस एक्स। नेगेटिव कॉस एक्स का हम इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई हमने नेगेटिव कॉस एक्स में किया तो यहाँ आया नेगेटिव कॉस एक्स,
देन साइन एक्स का नेगेटिव कॉस एक्स में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आया नेगेटिव कॉस एक्स साइन एक्स. यहाँ पर नेगेटिव साइन ऑलरेडी है और यहाँ पर है कॉस एक्स, तो यहाँ पर भी हो गया नेगेटिव कॉस एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे हम, तो कॉस एक्स का मल्टीप्लाई वन में किया तो यहाँ आया कॉस एक्स और नेगेटिव साइन, इसलिए हमने यहाँ लगाया नेगेटिव साइन. देन ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन हो गया पॉजिटिव साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स. अब यहाँ से आप देख सकते हैं साइन एक्स कॉस एक्स पॉजिटिव, साइन एक्स कॉस एक्स नेगेटिव, इसलिए ये हो जाएंगे कैंसिल. देन बचता है यहाँ पर नेगेटिव कॉस एक्स, नेगेटिव कॉस एक्स, नेगेटिव टू कॉस एक्स और अपॉन में बचता है आपका 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर. तो इस तरह से आपका जो डेरिवेटिव है वो आ गया है नेगेटिव टू कॉस एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर. हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल्स टू x साइन इनवर्स x ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पर p ओवर q के फॉर्म में हमारा क्वेश्चन, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे. यहाँ पर हमने क्वेश्चन रूल अप्लाई किया है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को रखा है एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर नेगेटिव साइन, न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर. यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर को लिखा है स्क्वायर रूट के फॉर्म में नहीं लिखा है, क्योंकि इसकी पावर 1/2 ही कहलाती है अगर यहाँ पर रूट लगा हुआ है, तो हमने इस रूट को पावर के फॉर्म में लिख दिया है. देन अब हम इसको सॉल्व करते हैं. इसका डेरिवेटिव जब हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा आपका डेरिवेटिव का, क्योंकि यहाँ पर x और sin इनवर्स x ये दोनों ही फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हैं. यहाँ पर आप देखें इसको हमने एज इट इज रखा है, देन इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने x को छोड़ा और sin इनवर्स x का हमने डेरिवेटिव फाइंड किया, वो होता है 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये हुआ 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये x एज इट इज यहाँ पर है. देन बीच में लगाया प्लस का साइन, अब हमने साइन इनवर्स x को ड्रॉप किया और x का डेरिवेटिव फाइंड किया तो वो आया 1. देन हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसको हम एज इट इज रखेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तब क्या होगा, इसकी पावर है 1/2, मीन्स यहाँ पर पावर जो है वो पावर रूल लगेगा, यानी कि x की पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा. देन अगर आप देखें यहाँ पर आपकी x की प्लेस पर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मीन्स यहाँ पर चेन रूल अप्लाई होगा, हम डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी फाइंड करेंगे. तो यहाँ पर x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर n है 1/2, तो यहाँ पर होगा n x n माइनस 1, मीन्स ये जो पावर है 1/2 माइनस 1, मीन्स यहाँ पर बचेगा नेगेटिव 1/2. देन इसका भी हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है क्योंकि यहाँ पर चेन रूल लग रहा है आपका, तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं. अब यहाँ पर आप देखें जो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको हम ब्रैकेट के अंदर ले गए, देन यहाँ पर आप देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी अंडर रूट के अंदर और यहाँ पर भी, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x, देन बीच में प्लस का साइन, इसको हम साइन इनवर्स x के साथ ले गए तो यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन में हमने यहाँ पर लिख दिया. देन आगे बढ़ते हैं, ये हमने नेगेटिव साइन लगाया, x साइन इनवर्स x एज इट इज़ रहा, देन 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1, मीन्स इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा नेगेटिव 1/2. देन इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो 1 का डेरिवेटिव आएगा 0 और नेगेटिव एक्स टू दी पावर 2, मीन्स एक्स टू दी पावर n, एन एक्स एन माइनस 1, 2 माइनस 1 मीन्स 1, तो यहाँ आया नेगेटिव 2x. इस 2 से इस 2 को हमने कैंसिल आउट कर दिया. और डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 2 था, इस स्क्वायर रूट से ये रूट कैंसिल हो गया, देन यहाँ पर बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पर आप देखें x एज इट इज़, ये टर्म भी एज इट इज़, यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ था, ये माइनस और ये माइनस मिल के हो गए पॉजिटिव, देन x का मल्टीप्लाई x से हुआ तो यहाँ आया एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एज इट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर नेगेटिव में थी, इसीलिए हम इसको एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स के अपॉन में ले गए, जिससे कि ये 1/2 पॉजिटिव हो गया और उस 1/2 को हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख दिया. अब यहाँ पर अगर देखें तो ये जो दोनों टर्म्स हैं इन दोनों के अपॉन में कुछ नहीं, मीन्स 1 है, तब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं.
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अपॉन में कुछ नहीं था मीन्स वन, तो यहाँ पर जो अंडर रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर है इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो यह आ गया एक्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। देन यहाँ ऑलरेडी वन माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर था, देन वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट से इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स एज इट इज़ रहेगा। देन ये टर्म एज इट इज़ ही लिखाएगा क्योंकि यहाँ पर इसके अपॉन में अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर पहले से था। देन ये जो अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर है ये इसके अपॉन में आ जाएगा और ऑलरेडी वन माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर था। अब यहाँ पर आप देखें ये भी वन माइनस एक्स स्क्वायर है, ये भी वन माइनस एक्स स्क्वायर है, दोनों ही वन माइनस एक्स स्क्वायर है, बट इसकी पावर है वन और इसकी पावर है वन बाय टू, मीन्स इनके बेस सेम है बट पावर अलग अलग हैं। तब इनको अगर हम ऐड करते हैं वन प्लस हाफ को तो ये आता है वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाय टू, और इसको अगर हम सॉल्व इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो साइन इनवर्स एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो साइन इनवर्स एक्स का मल्टीप्लिकेशन हम वन माइनस एक्स स्क्वायर में करते हैं और इनको हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इट इज़ रहा, साइन इनवर्स एक्स का मल्टीप्लिकेशन वन में किया तो साइन इनवर्स एक्स आया, देन यहाँ था नेगेटिव साइन हमने नेगेटिव लगाया, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई साइन इनवर्स एक्स में करेंगे तो यहाँ आया नेगेटिव एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ये टर्म एज इट इज़ लिखा हमने एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। देन यहाँ पर एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स नेगेटिव है और ये टर्म पॉजिटिव है, इसीलिए ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। देन यहाँ बचता है आपका एक्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाय टू। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा आंसर आया एक्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ पर बचा पॉजिटिव साइन इनवर्स एक्स, पॉजिटिव साइन इनवर्स एक्स ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, क्योंकि यहाँ पर वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर वन थी और ये वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर रूट में थी, रूट मीन्स वन बाई टू पावर, तो वन प्लस वन बाई टू ये हो गया हमारा थ्री बाई टू। तो इस तरह से ये आपका आ गया आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।